हेलो एवरी वन आई एम विजय जैन सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ रेजोनेंस फॉर आवर दिस ट्वेंटी ट्वेंटी टू शिफ्ट वन जे मेन मेमोरी बेस्ड केमिस्ट्री पेपर सोल्यूशन सो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर वन वॉट इट इज सेच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज बेस्ड यूज फॉर स्टैंडर्ड हाफ इलेक्ट्रोड कि सबसे बढ़िया कौन मेटल होगा है ना तो पॉइंट ये है कि जैसे ये डी बाई बाई डी एक्स दे रखा है अपने को टेम्परेचर कॉफिशेंट ऑफ गैलवेनिक सेल कि टेम्परेचर चेंज से इसका सेल ई एम एफ कैसे चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली मतलब चेंज मिनिमम हो उस हिसाब से अपन बेस्ट रखेंगे तो लेट्स सी द वैल्यूज एंड थर्ड इज द वैल्यू अकॉर्डिंगली तो इस तरह से अपन इसको देखेंगे नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन What this says, if of an empty glass दे दिया है ना जो है वो इतना है इफ दिस व लिक्विड डेंसिटी दे दी देन टोटल वेट ऑफ दिस ओके तो एक तरह से अपने को लिक्विड की क्या भी इसमें हिडन हो गया या स्ट्रेटजी में जो है वो मतलब मास अपने को यहां हो गया एक तो मास कंजर्वेशन से और दूसरा डेंसिटी से कॉन्सेप्ट टू लग गया यहाँ पे क्या है

फिर भी अपन इसको जो है वो मॉडरेट लेवल का तो मानेंगे इस सेंस में मानेंगे कि भाई पी वीजिकल टू एन आर टी का यूज़ है वॉल्यूम डायरेक्टली नहीं दिया मास कंजर्वेशन बहुत सी बार आपने लगाना पड़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है तो हमने ये सॉल्व किया है जैसे वही जैसे मैंने बताया कि वॉल्यूम आ गया और वॉल्यूम आ गया तो ये जब गैस भरी है तब मास कितना हो गया Uh, गैस का मास अपन ने देख लिया टोटल मास अपने को दे रखा है कंटेनर और गैस का तो गैस का आ गया और लीटर एटीएम यूनिट सिस्टम अपन ने लगाई और मोलो मास की यूनिट ग्राम पर मोल इस तरह से ये अपना सॉल्व हो गया तो लेट्स मूव नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट uh, क्वेश्चन uh, जो है वो सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड है एडजोर्ड होगा ऑन टू पॉइंट फाइव ग्राम ऑफ प्लेटिनम एट वन बार एंड थ्री हंड्रेड कैल्विन वट इज द वॉल्यूम ऑफ एच टू गैस एड्सॉर्ब ऑन वन ग्राम ऑफ प्लेटिनम ओके तो अपने को यहाँ पे आर की वैल्यू भी ऐसे दे रखी है तो अपन इसमें जैसे क्या करें पी बी सिकल टू एन आर टी लगा लें है ना तो अपन टू पॉइंट फाइव ग्राम का अपने को डेटा यहाँ से मिल जाएगा वॉल्यूम वाइज और फिर यूनिट थ्री लगा के वन ग्राम प्लेटिनम का कर लेंगे तो देट्स हाउ वी है सोल्ट लाइक पी विजिकल टू एन आर टी लगा के और वॉलीम हाइड्रोजन का आ गया अब ये तो 2.5 ग्राम पे आया तो यूनिट्री लगा के इसको हमने 1 ग्राम पे निकाल दिया दैट्स हाउ टू प्रोसीड तो थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट जैसा ही एप्लीकेशन है इसमें सरफेस केमिस्ट्री ठीक है एड्जॉर्शन वर्ड यूज़ हुआ है लेकिन ज़रा उसका कोई यूज़ नहीं है वॉल्यूम आ गया पी विजिकल टू एन आर टी गैश स्टेट स्टाइल में और यूनिट्री लगा के ऐसे हो गया कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ़ दिस मेमोरी बेस्ड केमिस्ट्री पेपर जो हमें मिला है छब्बीस जून के ये शिफ्ट वन का तो वॉट दिस सेज फाइंड द करेक्ट रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ बोर ऑर्बिट फॉर एच एटम तो सब केमिस्ट्री में एडोविस्ट स्टिचर में आप पढ़ती हो कि रेडियस प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड एच एटम है तो जेड सेम ही है तो आर थ्री बाय आर फोर विल बी वॉट Now we can say 3 ka square are proportional to n square uh, divided by 4 square to 9 by 16 karke apna yeh jo a jayega. So that is how we have given the solution. Now moving to the next question of this uh, paper uh, what they are saying 2 elements A and B undergoes in first order reaction separately if initial concentration are equal and their half lives are 100 second. इसकी ज्यादा है और इसकी कम है एट टाइम इन ऑफ ए विल बिकम्स टाइम्स ऑफ बी क्योंकि हाफ लाइफ टाइम आप देख रहे हो बी मतलब जो है वो कम है तो वो जल्दी से डिके हो रहा है तो वो टाइम पूछा है जिसमें ए की कंसल्टेशन बी से फोर टाइम्स हो जाएगी इनिशियली बराबर दे रखी है है ना तो अपन फिल कर दें, लेंगे कि इसके अकॉर्डिंग एट वॉट टाइम कंसल्टेशन ए टी शुड बी फोर बी टी और फिर ए टी का फॉर्मूला होता है ये ए नोट ई माइनस के टी है ना तो उससे अपन सॉल्व कर लेंगे ए टी बी टी दोनों को इस तरह से रख लेंगे इनिशियल कंसल्टेशन सेम है ही सही और के अपने को पता होता है रेट कॉन्स्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल कैंटिक्स इज जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री डिवाइड बाई टी हाफ तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे ये लिखे इन्फॉर्मेशन आगे बढ़े और फर्स्ट लॉ केमिकल कैंडिक्स का जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला करके इसको हमने सॉल्व कर दिया तो सॉल्व करने से जो है वो ये टाइम आ गया है ना और के कैसे आ गया ये कॉन्सेप्ट और यूज़ हो गया यहाँ पे है ना जो है वो कि टी हाफ इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री ओवर के तो दो चीज़ों को इंटीग्रेटेड लॉ का फॉर्मूला फर्स्ट ओवर केमिकल काइनेटिक्स और टी हाफ़ का लेके ये मॉडरेट लेवल का इस तरह से क्वेश्चन हो गया सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन What this question says What is the value of pH of resulting solution when 50 ml 0 0.1 m acetic acid is titrated with 25 ml of 0 0.5 NOH? एसिटिक एसिड पड़ा हुआ है फिफ्टी एम एल ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रॉप बाय ड्रॉप बह रहे हो जा रहा है आप देख रहे हैं कि ये हाफ इक्लेंस पॉइंट वाला डेटा दे रखा है क्योंकि इसका फाइव मिली मोल है इसका टू पॉइंट फाइव मिली मोल है तो ऑब्वियसली टू पॉइंट फाइव मिली मोल एसिड बचेगा और टू पॉइंट फाइव मिली मोल सॉल्ट बन जाएगा तो ये तो मैक्सिमम बफर एक्शन हो गया तो पी एच पी के डायरेक्ट तो है ना तो ठीक है जो है वो ये का यही हो जाएगा और आंसर और राउंड ऑफ करके ये हो जाएगा तो बहुत सारा अपन क्लास में ये क्वेश्चंस बहुत करते हैं इस तरह के और मैक्सिमम बफर एक्शन वगैरह तो डायरेक्ट आपको फ़ील आएगा है ना इसमें जो है टाइटिशन वगैरह बहुत सारी जगह अपन ने देखी हुई होती है तो हमने इसको यहाँ सॉल्व कर दिया है उसी तरह से रिएक्शन लिख के जो मैंने बोला और ये फाइव मिलीमोल mm ये ये तो एक तरह से हाफ एक पॉइंट वाला हो गया मैक्सिमम बफर हो गया एसिडिक बफर के लिए फॉर्मूला होता ही है पी एच पी के प्लस लॉक सॉल्ट कंसंट्रेशन या अपन कह सकते हैं कॉन्जुगेट बेस कंसंट्रेशन डिवाइड बाय एसिड कंसंट्रेशन तो वो कंसंट्रेशन वॉल्यूम वॉल्यूम तो सेम है ही सही मोल्स पर लीटर मिली मोल्स पर मिली लीटर दोनों जगह मिली लीटर मिली लीटर गए तो दोनों के मिली मोल्स टू पॉइंट से वो लॉक वन हो जाएगा पी एच पी के हो जाएगा सो so, आइने के त्रिबिरम से ये क्वेश्चन है नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला क्या होता है तो एन के आई के सी एल टू पार्टिकल दे रहा है तो अपने को अल्फा निकालना है बस और क्या करना है मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट बाय के जी ऑफ द सॉल्वेंट तो ये 0.5 ग्राम हो गया है ना मास वगैरह जो भी है उससे डिवाइड हो गया मोल्स आ जाएंगे और 99.5 ग्राम इसमें मेरा क्या हो गया सॉल्वेंट वाटर तो अपन ऑब्वियसली उनके के जी निकाल लेंगे इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया तो दैट्स व्हाट इट इज मैंशनड द सॉल्यूशन

Velocity B and then suddenly stopped. Uh, in this process, no heat loss is observed. Final increase in temperature. तो so, basically जो हम देख रहे हैं कि जो भी ये अपने को गामा की value है उस तरह से अपने को पता uh, पता चल रहा है कि uh, मतलब uh, diatomic गैस हो रही है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अपन जानते हैं फाइव थ्री ट्रांसलेशनल टू रोटेशनल तो अपने को एफ पता चल रहा है और जो है वो यहाँ पे नो हीट लॉस इज ऑब्जर्व देन तो जो भी अपना डेल्टा ई होगा तो इन्होंने कहा है कि फाइनल इंक्रीज इन टेम्परेचर तो अपन उस डेल्टा ई को क्या मानेंगे आइडियल गैस है तो उसमें जो भी इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो काइनेटिक एनर्जी चेंज क्यों पोटेंशियल एनर्जी आइडियल गैस वगैरह में होती नहीं है पार्टिकल्स में अट्रैक्शन वगैरह तो उसके इक्वेट करके अपना वो हो जाएगा तो इसको हमने यहाँ पे ये सॉल्व कर दिया कि जो भी डेल्टा ये एन सी बी डेल्टा टी सी बी अपन जानते हैं एफ आर बाई टू एफ़ दिख ही 2, रहा है या फॉर्मूले से निकाल सकते हैं फाइव या वैसे भी आपको गामा की वैल्यूज़ पता होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग हो जाता है तो इसको कुछ नहीं करना है हाफ एम बी स्क्वायर से इक्वेट करना है वो ऑप्शन से पता चल ही रहा है ऐसे एम वी स्क्वायर दे रखे हैं कि जो भी डेल्टा डेल्टई है ये बढ़िया कॉन्सेप्ट होता ही है और पता होना ही चाहिए आइडियल गैस में पार्टिकल्स में पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं है दे अट्रैक्ट या रिपेल करते ही नहीं है दे डू नॉट फील इच अदर तो बस जो भी अपना ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है उसको अपन ने मतलब कैनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग सेट करके है ना चेंज के अकॉर्डिंग सेट करके और इसमें टेम्परेचर चेंज यहाँ पे अपन ने निकाल लिया तो दैट विल गिव अस द फाइनल आंसर तो अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको रिलेट करना है कुछ फॉर्मलेस हैं ये एक कॉन्सेप्ट हो गया दूसरा हो गया तीसरा हो गया और फिर ये डेल्टा ई पोटेंशियल एनर्जी उसमें है नहीं आइडियल गैस में वो काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको सेट करना था है ना जो भी है कि फाइनल माइनस इनिशियल वॉट तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो डेल्टा टी निकाल लेना है तो गुड क्वेश्चन ना लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी थर्मो केमिस्ट्री से एक इक्वेशन दे रखी है और बॉम कैलोरीमीटर उसमें सेवन एट सिक्स दे रखा है और आप जानते हो ये कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइस तो डेल्टा ई e दे रखा है डेल्टा एच निकालना है तो एक इक्वेशन लगा देनी है हमेशा ये क्वेश्चन अपन इस तरह के प्रैक्टिस करते ही है डेल्टा एच इज डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन सी आर टी और बस डेल्टा एच निकाल लो है ना यूनिट वूनिट का थोड़ा ध्यान रख लो है ना तो उस तरह से ये अपने सॉल्व हो जाएगा है ना किलोजूल में अपन ने सॉल्व कर लिया इसलिए यहाँ पे इसको भी किलोजूल में कन्वर्ट किया हुआ है और अपन ने इसको जो है वो यहाँ पे क्या कर दिया जो है वो सेट कर दिया टू द नियरेस्ट इंटीचर वैल्यू तो दिस विल बी गिविंग अस द आंसर सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू एच एस ओ फोर माइनस इलेक्ट्रोलाइस हाइड्रोलाइस टू एच प्लस प्लस ए टू सल्फेट तो इसको बहुत जगह पढ़ाया जाता है जैसे हम आपको इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस में ये रिएक्शन पढ़ाई जाती है H2O2 की प्रिपरेशन है है तो एच टू एस टू एट बनता है हाइड्रोलाइसिस करते हैं एच टू एस ओ फोर एच टू एस ओ फाइव बनता है और एच टू एस ओ फाइव हाइड्रोलाइसिस पर फिर क्या देता है जो है एच टू एस ओ फोर और एच टू ओ टू तो एच टू ओ टू है डाईड्रल एंगल यानी इनमें जो दो प्लेन है उनके बीच का एंगल सॉलिड स्टेट में 90.2 डिग्री है ना तो वो एन में भी डायग्राम दिया हुआ है उसको उसी तरह से अपने को इसमें यूज करना है जैसा कि ये एन फिगर ही है और ये हमने बताया 90.2 डिग्री तो बढ़िया क्वेश्चन है सबका तड़का है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शंस का फिर एन का तो ईजी तो कहीं से नहीं कह सकते एक टफ़ लेवल का बढ़िया क्वेश्चन मिक्सचर और मेन तो इनऑर्गेनिक के हिसाब से ये हो गया नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन given three complex compounds out of these compound with excess agno3 gives one compound two mole of agcl and it is octahedral uh, complex uska spin only jo hai wo magnetic moment apne ko nikalna hai now you see देखो यहाँ बहुत सारा छोटा छोटा जो information आपको class में पढ़ाया जाता है वो दिया हुआ है Pt+4 in general ये क्या होता है सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर पीटी प्लस टू क्या होता है फोर कोऑर्डिनेशन नंबर तो ये तो H2PtCl6 हो गया है ना यानी पीटीसीएल टू हो गया तो इसमें तो बाहर आयनिक स्फीयर में कोई क्लोराइड है ही नहीं एक्वा कॉम्प्लेक्स इन जनरल क्या होते हैं जो हेक्सा कोऑर्डिनेटेड होते हैं तो इसमें दो दिख ही है तो यही होने वाला है, है ना और ये इसमें देखें तो जो है वो कोबाल्ट प्लस थ्री है तो वो सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर तो अमोनिया चारों आ गए दो क्लोरीन और आ जाए एक क्लोरीन भी बाहर रहेगा तो एक्सेस AgNO3 के साथ इसका वन मोल लेंगे तो ऑब्वियसली जो है वो बाहर वाले के हिसाब से वन मोल ही अपने को AgCl मिलेगा तो इस पर फोकस करना पड़ेगा Ni इस पर अपने को है ना इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है तो अब एन आई हम देख रहे हैं कि जो है वो क्या है डब्ल्यू एफ एल है तो कोई चेंज होने वाला नहीं है जो सी एम ए का इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पिगेशन है वही कॉम्प्लेक्स का आने वाला है आर्गन थ्री डी एट टू अनपेड इलेक्ट्रॉन टू पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा अंडर रूट एट होएगा तो जो भी वैल्यू आएगी टू पॉइंट एट सेवन के अराउंड तो नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू थ्री हो जाएगी तो बढ़िया क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स भी आप सेट करो फिर जो है वो उनका थोड़ा जो मैंने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत सारे बोले उनके अकॉर्डिंग करो स्पिन ओनली ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट तो क्वाइट इंटरेस्टिंग मजेदार क्वेश्चन है इसको हमने सारा सॉल्व करके यहाँ पे जो मैंने बोला वो लिख दिया है तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्रोसीड तो लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और दिस क्वेश्चन से द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट तो टिपिकल एनसीआर टी क्वेश्चन सेकेंड ए वाले डाउन द ग्रुप अपन जाते हैं तो क्या होता है आर बढ़ता है तो क्या होता है हार्डनेस कम होती है इन जनरल है ना सॉफ्टनेस बढ़ती है सीजियम फ्रेंशियम तो ऑलमोस्ट लिक्विड होने लगते हैं एक अराउंड थर्टी डिग्री सी तो इसमें भी बात तो वही है लेकिन थोड़ा सा इसमें मैग्नीशियम का जो है वो रहता है डिफरेंट uh, बिहेवियर तो बाकी तो और जो है वो डेटा वाइस भी अपन देख सकते हैं है ना तो यहाँ पे जो है वो सबसे अच्छी बात यही है कि अपने को बेरिलियम एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है अगर इस तरह से ऑप्शन है तो ऑप्शन से भी रिजेक्शन मेथड से भी आप कर सकते हैं और जो है वो इनकी हमने यहाँ पे थोड़ा डेटा वाइस भी वैल्यूज़ लिखी हैं एन के डेटा ही है तो उसके अकॉर्डिंग करना है तो एक रेयर फैक्ट जैसा मेल्टिंग uh, पॉइंट का क्वेश्चन है और ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड हो तो आइडिया सबको होता ही है एनसीआर टी जेई मेन में तो हम हर स्टूडेंट को बोलते हैं लाइन बाय लाइन पढ़ो पूरा पढ़ो हर लाइन पे क्या क्वेश्चन बन सकता है वो करो क्लास में उसी के अकॉर्डिंग करवाते हैं तो लाइक दिस वी कैन प्रोसीड नेक्स्ट क्वेश्चन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इज कितनी बार अनंत बार ये आई डी एडवांस जे मेन में है क्वेश्चन है इसकी कोई सीमा नहीं है इसको पूछते ही चले जाते हैं और पूछते ही चले जाएंगे तो बढ़िया है कोई उसमें अफसोस वाली बात नहीं है कोई उसमें मतलब आश्चर्य की बात नहीं है आगे भी आता रहेगा क्योंकि एम बहुत इंपॉर्टेंट है बॉन्ड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है तो स्टूडेंट्स को वैसे ही सिखा देते हैं फोटीन को मानो सेंटर लाइन मैक्सिमम इन जनरल वाला सिंपल वाले एटम्स में हो गया और फिर फोर्टीन से आप इधर जाओ या उधर जाओ वन इलेक्ट्रॉन के चेंज से जीरो पॉइंट फाइव बॉन्ड ऑर्डर में चेंज होता है है ना बाकी वो सीरीज़ वगैरह एम थ्योरी वगैरह सब आपको आती है कि मतलब मोर देन फोर्टीन इलेक्ट्रॉन में कौन सी सीरीज़ है अप टू फोर्टीन में कौन है तो वैसे इसमें तो कुछ भी नहीं है ये सब क्लासिक हैं ओ टू प्लस तो अपन इधर गए वन है ना इस वाली तरफ तो इधर तो मतलब जो है अपन फोर्टीन से आ रहे हैं फिफ्टीन सिक्सटीन तो थ्री टू पॉइंट फाइव टू तो O2 टू प्लस में टू पॉइंट फाइव ओ टू में टू जानते ही हैं फिर और इधर निकल रहे हैं ओ टू माइनस ऊपर ऑक्साइड आयन 17 पे आ रहे हैं तो वन इलेक्ट्रॉन के चेंज पे 0.5 फाइव का बाउंड्र चेंज वैसे हाफ एन बी माइनस एन ए से भी निकाल सकते हैं तो वो अपने अराउंड जो भी होने लगेगा 1.5 और पर ऑक्साइड आयन ओ टू माइनस टू में तो वन ही है तो इसमें ये अपन ने जैसे मैंने सारे वैल्यू बोले उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा तो इसी को हमने यहाँ सॉल्व कर दिया है और बता दिया है नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है करेक्ट ऑर्डर अपने को बताना है स्टेबिलिटी ऑफ प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द फॉलोइंग तो आप जानते हैं कि पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पी ब्लॉक में डाउन द ग्रोप क्या होता है जो है वो एन एस टू इलेक्ट्रॉन पेयर इनर्टनेस और स्टेबिलिटी शो करने रखता है उससे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होने लगती है तो थेलीम प्लस उसका टिपिकल एग्जाम्पल है तो उस हिसाब से ऐसे ये मोर स्टेबल होगा और सबको इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत डिटेल डिटेल में पीरियड टेबल में पढ़ाया जाता ही है और पी ब्लॉक में भी पढ़ाया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग इजी क्वेश्चन है इसको हमने जो है वो यहाँ पे इसको बारे में बताया तो जो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट अगेन बॉइलिंग पॉइंट में भी H2O आप जानते हैं कि एच बॉन्डिंग हो जाती है तो उस कारण से एक्सेप्शनल बिहेवियर इन जनरल तो मोलर मास ज़्यादा तो ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जब ऑनडर फोर्स होंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो नॉट कनेक्टेड पार्टिकल्स में इंटर पार्टिकल्स में फोर्स होंगे एक के प्रोटॉन्स को एक के प्रोटॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन को और दूसरे के प्रोटॉन पहले के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे लेकिन एक्सेप्शनल फीचर आ गया किसके अंदर एच के अंदर एच बॉन्डिंग वाला इस कारण से ये ज्यादा होगा बाकी तो फिर मास के अकॉर्डिंग तो डेटा वाइज भी इसको यहां जो है वो बताया गया है, है? तो ठीक है इजी क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग का है बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है तो लाइक दैट वाइज यू कैन सी नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एलिंगम ग्राफ का है मेटल ऑक्साइड स्टेबल नो वो तो मतलब जो है आपके पॉजिटिव वैल्यू जीरो वैल्यू की ओर जाने लगेंगे आपके जो मेटल ऑक्साइड है एलिंगम ग्राफ में अपन देखते हैं तो वो एच और एची वाला वैल्यू है ना वो उधर तो कहाँ स्टेबल होते हैं अब मेटलर्जी में देखते हैं ये रिएक्शन एच जी ओ हीट करने पे एच जी प्लस ओ टू बैलेंस कर सकते हैं ये ए जी टू हो जी प्लस ओ टू है ना तो ये उस हिसाब से जो है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है इन एलिंगम डायग्राम लोअर मेटल यस नीचे वाले अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो ऊपर वाले को उनके मेटल ऑक्साइड में से रिड्यूस कर सकते हैं तो इस हिसाब से एलिंगम ग्राफ ग्राफ वाला है थोड़ा सा वो पता होना चाहिए थ्योरी जल्दबाजी नहीं है अच्छे से केयरफुली आपको पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग फॉल्स ट्रू ये हो रहा था होप so, आपने सही किया होगा है हाँ ना और इसको ही हमने ऐसे लिख दिया सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मेमोरी बेस क्वेश्चन वीटो फोर ऑनली मैगनेटिक मूवमेंट फॉर मोस्ट बेसिक ऑक्सीड तो आप जानते ही लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा बेसिक होती है और इन जनरल तो फोर पे एम फोटे गियर चेंज होता है, 1, 2, 3, चल रहा है। लोअर गियर है तो बेसिक ज़्यादा है फोर में एम्फोटिक ज़्यादा और फोर से ज़्यादा वाले तो फाइव वाले सिक्स सेवन वाले मेटल की बात कर रहा हूँ वो तो जनरली एसिडिक ही होते हैं बी टू और फाइव में एनसीआरटी के अकॉर्डिंग थोड़ा एक्सेप्शन है थोड़ा सा एम्फोटिक कैरेक्टर है तो मोस्ट बेसिक तो, तो ले दे के मेरे क्या हुआ ये हुआ प्लस थ्री वाला हुआ तो वेनेडियम ट्वेंटी थ्री आरगन थ्रीटी थ्री फोर एस टू है वेनेडियम थ्री प्लस में क्या होने वाला है आरगन थ्री डी टू होने वाला है टू अनपेड इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं तो इसका स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट अंडर एट टू पॉइंट समथिंग आने वाला है टू पॉइंट एट सेवन और उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या हो जाएगा थ्री वैल्यू नियरेस्ट इंटीजर के लिए हो जाएगी तो दैट्स आउ तो इसको ही हमने यहाँ सॉल्व कर दिया है और आपको बता दिया है पूरा जैसा जो मैंने बोला वो लिख दिया है यहाँ पे है ना तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अमंग्स द फॉलोइंग विच ऑन रिएक्शन विद एल्कलीगिव एंड ऑक्सो एसिड विच डू नॉट कंटेन पी एच बॉन्ड तो अच्छा क्वेश्चन है वाइट फॉस्फोरस एन ओ एच के साथ क्या देता है आपको याद है फॉस्फिन एन एच टू पी ओ टू सोडियम हाइपो फॉस्फोड उसमें पी एच बॉन्ड होता है रेड फॉस्फोरस क्या देता है एन सी आर टी में टेबल बनी हुई उसमें भी ये क्वेश्चन है तो वो एच पी एच फोर पी टू ओ सिक्स दे देता है, है ना तो हाइपो फॉस्फोरिक एसिड तो पॉइंट ये है कि उसका स्ट्रक्चर अपने को याद है रेजोनेंस की अपनी शीट में भी दिया हुआ है नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली की केमिकल बॉन्डिंग में भी बताते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ऐसे जो है वो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड और इसमें कोई पी एच बॉन्ड नहीं है पी पी बॉन्ड है और अदर बॉन्ड है तो दैट्स दर्साउ तो अच्छा क्वेश्चन है अगेन जी मेन एन सी आर टी में से क्वेश्चन पूछता है तो उसके अकॉर्डिंगली जो ऐसा एडवाइज़ किया गया है लाइन टू लाइन पढ़ना हर लाइन पे क्या क्वेश्चन बन सकता है वो सोचना है ना टेबल्स को भी देखना बहुत सारे है टेबल्स हैं है ना तो पढ़ने के अलावा तो दैट्स सो आई होप यू मस्ट हैव डन इट करेक्टली तो रेड फॉस ये P2O3 हो जाएगा है ना राइट नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट व्हाट दिस क्वेश्चन इज क्वालिटेटिव एनालिसिस में नाइट्रेट रेडिकल का है कि इसके टेस्ट में आ, जो है वो नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स बनता है बनता है अपने को याद है यही कॉम्प्लेक्स बनता है और ब्राउन रिंग इज ऑपटेनड एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड्स राइट अब थोड़ा सा जो भी स्टूडेंट्स ने हम बताया मेमोरी बेस्ड तो उससे तो मतलब यहाँ पे हमें यही लगा कि जैसे नाइट्रेट है उसका टेस्ट हो रहा है कॉन्क एच टू एस ओ फोर तो एन ओ टू ही निकलता है क्योंकि जैसे सपोज़ करो एच टू एस ओ फोर का सॉल्ट के साथ सॉल्ट बना और ये एच एन ओ थ्री निकला अब एच तो बहुत इजीली क्या दे देता है एच टू ओ टू एन ओ टू डिहाइड्रेशन हो गया एन टू ओ फाइव ओ डिकम्पोज हो गया एन ओ टू ओ टू में तो वो एन ओ टू के रेड ब्राउन फ्यूम्स होते हैं तो अगर लाइट कलर इस तरह से वेरी लाइट मैंशनड है तो आई थिंक दैट इज़ अदर बात हो जाएगी वो तो है ना जो है वो तो जो है वो इसमें जो भी हमें मेमोरी बेस्ड स्टूडेंट्स ने बताया जो बेस्ट हम उनसे निकाल सके और इंफॉर्मेशन जमा सके उसके अकॉर्डिंगली तो हमने ये रखा है बाकी और जो है वो करेक्ट पूरा पेपर आएगा तो और उसको कंपेयर कर लेंगे तो दैट्स ऑ ये है ओ टू हो गया लाइक like दिस तो आई होप आप सब बढ़िया पेपर करके आए होंगे बढ़िया से मतलब रिलेटिवली बढ़िया क्योंकि पेपर तो मॉडरेट टूवर्ड्स टफ साइड है तो मतलब इसमें तो मतलब परसेंटाइल वाली बात है रिलेटिव परफॉर्मेंस वाली बात है तो रिलेटिवली आप के मार्क्स अच्छे आएंगे तो परसेंटाइल अच्छी आएगी तो आई हो विश यू ऑल अ वेरी गुड लक यू मस्ट अपटेन वेरी गुड मार्क्स गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट